हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। डिलाइट मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमारे पास ये होता है कि हम बड़े बड़े गोल और बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन अक्सर जब शुरू करने की बारी आती है तो उसे कल पर डाल देते हैं। कई बार हम मोटिवेशन मूवीज देख लेते हैं, कई बार किसी व्यक्ति से अगर हम इंस्पायर हो जाते हैं तो हम उन जैसा बनना चाहते हैं, हम उनके जैसा गोल सेट कर देते हैं कि चलो मैं भी ये बन लेता हूँ, जब मैं भी विराट कोहली बन जाता हूँ, मैं भी शाहरुख खान बन जाता हूँ। लेकिन जब शुरू करने की बारी आती है तो यार आज नहीं, चलो कल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? और हम गोल तो बना लेते हैं लेकिन उसे शुरू ही नहीं करते, उसे कल पर टाल देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किसी भी चीज़ को कल पर टालने से कैसे बच सकते हैं। आप अगर गोल सेट करेंगे तो आप उसे आज ही कैसे पूरा करेंगे, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो दोस्तों, हम जब भी गोल सेट करते हैं ना, तो पहले ही हमारी जो होता है वो हमारे गोल ही क्लियर नहीं होता है, हम किसी दूसरे व्यक्ति से इंस्पायर होके या मोटिवेशन होके गोल क्लियर करते हैं। तो हमें क्यों करना है उसकी वजह नहीं पता, हमें ये गोल है उसका वाई हमारा क्लियर नहीं होता है। तो जब भी गोल सेट करें, अब अपने आप से पूछे कि वाई ये मुझे करना क्यों है, तो उसका एक आंसर मिलेगा। फिर से पूछे कि उसे और क्यों करना है, तो दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। और जब तक हमें डीपली प्रॉपर रीजन नहीं मिलता है, तब तक वो अपने आप से पूछिए कि ये करना क्यों है, इसका वाई जब तक क्लियर नहीं होगा आप उसे टालते ही रहोगे, ऐसा हो सकता है। दूसरा होता है कि हम गोल तो बना लेते हैं लेकिन कई बार हम परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट सिचुएशन का वेट करते रहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि यार करना है तो परफेक्ट करना है, इसलिए बड़ा गोल होता है ना, तो क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये होगा तो करेंगे, ऐसी सिचुएशन होगी तो करेंगे, ये फैसिलिटी मिलेगी तो करेंगे। तो हम हमेशा वेट ही करते रहते हैं, शुरू ही नहीं करते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसने भी शुरुआत की है उसने परफेक्ट पर टाल दोगे या फिर उसे आधे में ही छोड़ दोगे। क्यों? जैसे कि अगर आपने कोई जिम, आपने ये सोचा कि चलो मेरा बॉडी वेट बढ़ गया है तो मैं उसे रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो आप पहले दिन तो जिम जाएंगे, बहुत अच्छी कसरत करेंगे, दूसरे दिन भी जाएंगे, थोड़ा पेन होगा, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन आप
नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखें, यार इसकी बॉडी अच्छी है और मेरे में तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है, तो फिर आप टाल देंगे। लेकिन अगर आपने पहले दिन जब आप जिम में शुरू किया, उस दिन आपका कैलोरी, आपका वेट, आपका जो बाकी का जो बॉडी का जो पार्ट्स होता है वो सारा अगर मेजर किया होता और फिर जिम करने के बाद दूसरे दिन किया होता, कुछ तो फर्क होता, तो आपको लगेगा कि हाँ यार कल किया था और आज किया तो इतना रिड्यूस हुआ, दूसरे दिन तीसरे दिन किया तो इतना रिड्यूस हुआ। तो अगर आपके पास डेली का डेटा होगा तो आपको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो फर्क हो रहा है, इसके कारण आप उसे कल पर कभी भी नहीं टालोगे। तो दोस्तों इस ट्रिक को, इस चीज को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप किसी भी गोल को आप कंप्लीट करोगे और उसे कभी भी कल पर नहीं टालोगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।